नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अगर हमें फांसी देने से देश में रेप रुक जाएंगे तो बेशक हमें फांसी पर लटका दो, लेकिन ये बलात्कार रुकने वाले नहीं है। ये बात निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों में से एक विनय ने जेल के एक अधिकारी से कही। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने बताया कि अब फांसी देने के लिए केवल एक ही दिन बचा है। ऐसे में मुकेश को छोड़कर बाकी तीनों को देखकर अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है जैसे इन्हें एक दिन बाद फांसी पर लटकाया जाना है। फांसी पर लटकाने के लिए जेल अथॉरिटी ने 10 और कर्मचारियों को विभिन्न जेलों से फांसी देने वाली जेल नंबर 3 में तुरंत प्रभाव से शिफ्ट कर दिया है। 20 मार्च तक इनकी ड्यूटी इसी जेल में रहेगी। बुधवार को फांसी का रिहर्सल किया गया, जिसे कामयाब होना बताया गया है। जेल अधिकारियों ने बताया कि 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे चारों को फांसी पर लटकाने के लिए इन्हें 3 बजे उठा दिया जाएगा। हालांकि अपनी फांसी होने की बात देखते हुए इन्हें 19 और 20 मार्च की रात को नींद आना मुश्किल ही है, लेकिन 20 मार्च की तड़के 3 बजे इन्हें उठाकर इनसे नहाने और नाश्ता करने के बारे में पूछा जाएगा। अगर इनका मन होगा तो ये नहा लेंगे, नहीं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इन्हें नहलाना ही जरूरी है। फांसी के 2 तख्तों पर 4 हैंगर बनाए गए हैं जहां इन चारों को फांसी दी जाएगी। इनमें से एक तख्ते के लीवर को जल्लाद पवन और दूसरे को जेल स्टाफ खींचेगा। इसके लिए जेल नंबर 3 का सुपरिटेंडेंट ग्रीन सिग्नल देगा। हालांकि जेल के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को ये दोषी एक बार फिर से पटियाला हाउस कोर्ट और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसे में लगता है कि गुरुवार को दिन भर अदालती कार्रवाई चल सकती है। ये भी हो सकता है कि फैसला होने में रात भी लग जाए, लेकिन अब इनकी फांसी टलना मुमकिन नहीं लग रहा है क्योंकि सीधे तौर पर इन चारों का अब कोई कानूनी अधिकार बाकी नहीं बचा है। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने बताया कि वैसे तो चारों के शवों का पोस्टमार्टम DDU अस्पताल में ही कराया जाएगा, लेकिन अगर कानूनी व्यवस्था की कोई समस्या होती दिखाई दी तो किसी और अस्पताल में भी पोस्टमार्टम कराया जा सकता है। पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल द्वारा किया जाएगा, इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जा सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।